तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोटो को AI में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप अपने फ़ोटो को AI में एडिट कैसे कर सकते हैं, चाहे वो फिर आपकी फ़ोटो हो या फिर किसी की भी फ़ोटो हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टेप बाई स्टेप फॉलो कर लें। और अभी तक तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले हमें अपने प्ले स्टोर पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद हमें एक एप्लीकेशन को सर्च करना है, उसका नाम है टूनमी, TOONMEE, टूनमी। तो देख सकते हैं यहाँ पे टूनमी आ चुका है। अब हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने ये जो एप्लीकेशन है आ चुका है, तो हमें यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमें ओपन पे क्लिक करना है। अब हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, तो हमें अलाउ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें एक बार और टैप करना है इस तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग AI मिल जाते हैं। और साथ ही साथ ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं यहाँ पे तीन अलग अलग कैटेगरी मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप, दूसरा जो है ट्रेंडी और तीसरा जो है रिसेंट का, यानी कि यहाँ से भी आप अलग अलग AI को ले सकते हैं। ये जो अभी हम देख रहे हैं ये टॉप के AI है, और दूसरा यहाँ से हम ट्रेंडिंग के भी AI को ले सकते हैं। इस तरीके से हम अपने फ़ोटो को अलग अलग AI में जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए अब रिसेंट पे हम लोग देख ले, रिसेंट में जितने भी नए होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से किसी एक AI में अपने फ़ोटो को जनरेट करते हैं। तो हम आ जाते हैं टॉप के AI में। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से हम किसी एक AI को ले लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ से इस AI को ले लेती हूँ। तो हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से अलाउ कर देना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ से किसी एक फ़ोटो को ले लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ से इस फ़ोटो को ले लेती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं नीचे की तरफ हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, रोटेट का, क्रॉप का। तो आप यहाँ से इसके साइज़ को क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं हमें नीचे की तरफ यहाँ पर एरो का ऑप्शन मिल रहा है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ सेकेंड का एक ऐड आएगा, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली इस ऐड को चलने देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐड अब ख़त्म हो चुका है। तो ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे कट का ऑप्शन मिला है, तो यहाँ से हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल रहा है, आप देख सकते हैं डाउनलोड का, तो हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ देख सकते हैं यहाँ से इमेज डाउनलोड हो चुका है, यानी कि डायरेक्ट गैलरी में सेव हो चुका है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से बैक आना है और अपने गैलरी में चलना है। बैक आने के बाद अब हम अपने गैलरी में चलेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फ़ोटो है वो AI में कन्वर्ट हो चुका है, और ये कितना सुंदर लग रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये पहले का फ़ोटो है और ये अब का फ़ोटो है। तो आप भी इस तरीके से किसी के भी फ़ोटो को, चाहे वो फिर किसी भी चीज़ की फ़ोटो हो, आप उसे बहुत ही आसानी से AI में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।